उच्चतम न्यायालय आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ सभी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। याचिका में दलील दी गई है कि दुर्गा शक्ति धार्मिक इमारतों के अवैध निर्माण को रोकने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने की वजह से मुसीबत में है, लिहाजा न्यायालय को उनका संरक्षण करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है, लेकिन 12 अगस्त को उनके आग्रह पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इससे पहले कल गुजरात उच्च न्यायालय ने पीपी पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने मगनलाल बरेला की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मगनलाल को जबलपुर जेल में आज फांसी दी जाने वाली थी। मगनलाल को अपनी 5 बेटियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने रामबन जिले में सीमा सुरक्षा बल की फायरिंग में 4 नागरिकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर आज केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह द्वारा दायर याचिका में मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिली हुई जेट श्रेणी की सीआरपीएफ की सुरक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि केंद्र को किसी व्यक्ति या संगठन पर खतरे का विश्लेषण करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने का शासकीय अधिकार है। इस याचिका में अंबानी को सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा दिए जाने के केंद्र सरकार के 21 अप्रैल के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर एमसीडी और दूसरी नागरिक एजेंसियों की आलोचना की है। न्यायालय ने कहा कि एमसीडी की अक्षमता के लिए लोग क्यों परेशानी झेलें। अदालत ने एमसीडी को आदेश दिया कि वो इस जल भराव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विनय मित्तल ने आज संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के तौर पर शपथ ली। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने विनय मित्तल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विनय मित्तल का कार्यकाल 5 साल का यानी 2018 तक का होगा। सरकार नीलामी के जरिए कोल इंडिया में 5% हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकारी खजाने को 8,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसके लिए मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के पास फिलहाल कोल इंडिया की 90% हिस्सेदारी है। रुपए में रिकवरी और रेनबैक्सी में आई जोरदार तेजी की वजह से बाजार 0.8% तक चढ़े। सेंसेक्स 124 अंक चढ़कर 18,789 और निफ्टी 46 अंक चढ़कर 5,566 पर बंद हुआ। मेटल, रियलिटी, पावर और ऑटो शेयर करीब 2.5 से 1.5% चढ़े। तकनीकी, पीएसयू, बैंक, आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर, ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स शेयर करीब 1 से 0.5% मजबूत हुए। वहीं हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस शेयर 0.25% गिरे।